सनातन आस्था की समेतिक अभिव्यक्ति कुंभ की पवित्र धरा, महर्षि भारद्वाज की तपोभूमि, पावन त्रिवेणी तट पर बसे तीर्थराज प्रयागराज को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठतम सहयोगी उप मुख्यमंत्री और इसी माटी के सपूत श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, प्रभारी मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, इसी प्रयागराज के सपूत और प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, माननीय सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, श्रीमती केसरी देवी पटेल जी, श्री विनोद सोनकर जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, माननीय विधायक गण श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, प्रवीण पटेल जी, गुरु प्रसाद मौर्य जी, पीयूष रंजन निषाद जी, केपी श्रीवास्तव जी, सुरेंद्र चौधरी जी, श्रीमती निर्मला पासवान जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री नरेंद्र कुमार सिंह गौर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष यमुनापार श्री विभवनाथ भारती जी, निवर्तमान महापौर श्रीमती अभिलाषा गुप्ता नंदी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह जी, यहां के चुनाव के सहप्रभारी श्री महेश चंद श्रीवास्तव जी, ओंकार केसरी जी, राकेश शुक्ला जी, वरुण केशरवानी जी और महापौर पद के सुयोग्य प्रत्याशी श्री उमेश चंद गणेश केशरवानी जी, पार्षद पद के हमारे सभी प्रत्याशीगण और उपस्थित प्रयागराज के मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, प्रयागराज की इस पावन धरा को जिसे भगवान प्रयागराज ने, मां गंगा ने, मां यमुना और मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है, जहां से अक्षय वट जीवन की नश्वरता और सत्य की शाश्वतता का संदेश सदैव देता रहा है, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का हृदय से मैं अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, अमर शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद की बलिदानी भूमि भी है और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी कर्म साधना की स्थली रही है। प्रयागराज अपनी आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से भी और इस भौतिक जगत में न्याय पाने के लिए भी पूरे प्रदेश की 25 करोड़ जनता इसी प्रयागराज की धरती पर आकर के न्याय पाती है, ऐसी प्रयागराज की धरती को नमन करता हूं। भाइयों बहनों, रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, कर्म प्रधान विश्व रसि राखा, जो जस करहिं सो तस फल चाखा। और मुझे लगता है कि ये पंक्तियां आज भी उसी प्रकार की प्रासंगिक हैं जैसे मध्यकाल में थी। जीवन की शाश्वतता का संदेश देने वाले ये पंक्तियां हमारे कर्म प्रधान व्यवस्था को कहीं न कहीं मार्गदर्शन करती हुई दिखाई देती है।
जिस प्रयागराज में दुनिया अपने आध्यात्मिक पिपासा के लिए आती है, जिस प्रयागराज की धरती ने हजारों वर्षों से मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया हो, कुंभ हो या माघ मेला, करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में आकर के संगम में डुबकी लगा करके अपने जन्म और जीवन को धन्य करता है। जहां पर अन्याय अत्याचार से पीड़ित मानवता आकर के न्यायालय की शरण में आकर के न्याय प्राप्त करने की विलासा से आता है, कुछ लोगों ने उस प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था, पापाचार का शिकार बना दिया था। लेकिन यह प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है, सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। और भाइयों बहनों, आज मैं इसीलिए प्रयागराज की धरती पे आया हूं आप सबसे अपील करने के लिए। ये हमारा सौभाग्य है 2019 में प्रयागराज कुंभ को डबल इंजन की सरकार को एक यूनिक इवेंट के रूप में प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ था, भव्य और दिव्य कुंभ के रूप में प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ था। प्रयागराज को कुंभ यादगार कुंभ बन गया। उस समय नगर निगम का नेतृत्व श्रीमती अभिलाषा गुप्ता नंदी जी के नेतृत्व में यहां पर नगर निगम बोर्ड काम कर रहा था और बोर्ड ने अपने स्तर पर अच्छा प्रयास किया। और जब 2025 का कुंभ आएगा, 2025 के कुंभ के लिए हमारा एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के भाजपा के अध्यक्ष और अब महापौर की प्रत्याशी उस समय महापौर हो और उनके नेतृत्व में प्रयागराज महापौर की नेतृत्व में प्रयागराज कुंभ फिर दुनिया की भव्य और दिव्य कुंभ की साक्षी बन सके, इसके लिए आप सबसे अपील करने के लिए आज मैं प्रयागराज की धरती पे आया हूं। भैया बहनों, प्रयागराज कभी निराश नहीं होने देता है। ये प्रयागराज की धरती है, ये कभी सात्विक प्रवृत्ति को निराश नहीं करती है। मैं जानता हूं कि आपका आशीर्वाद यहां पर श्री गणेश के सर्वानी को प्राप्त होगा, कोई संदेह नहीं। इन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में जिस निष्ठा के साथ कार्य किया, और आज जब भाजपा ने एक अवसर दिया कि महापौर पद पर कोई भाजपा का एक सामान्य कार्यकर्ता चुनाव जीतने की सामर्थ्य रखता है रखे और उसे हम प्रत्याशी बनाकर के उतार रहे हैं, भाइयों बहनों, जब प्रत्याशी बनकर के आपके बीच में आए हैं, मैं देख रहा हूं प्रयागराज का एक एक कार्यकर्ता सहयोग करते हुए उन्हें महापौर प्रत्याशी के रूप में अपना प्रत्याशी मानकर के चुनाव लड़ाने के लिए पथ पर दिखाई दे रहा है। और यह होना भी चाहिए, जिस कार्यकर्ता ने अपना जीवन समर्पित कर दिया हो विचारधारा के लिए, संगठन के लिए, अगर उसके लिए सभी लोग मिलकर के कार्य करके अगर उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, तो भाइयों बहनों, ये नए कार्यकर्ताओं के सृजन की एक शुरुआत होती है, नए कार्यकर्ताओं को भी अवसर प्राप्त हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी इन्हीं नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने की पार्टी है। यही भारत का लोकतंत्र है, यही भाजपा का लोकतंत्र भी है। आज भारत दुनिया के अंदर कह सकता है कि हम न केवल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है। लोकतंत्र को हमने पैदा किया है, ये भारत गर्व से कह सकता है। और वह तब जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान में वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है,
भारत आज आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में G20 के समूह की अध्यक्षता कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, तब भारत इस बात को कह सकता है कि हमने दुनिया को सब कुछ दिया है, हमने लोकतंत्र दुनिया को दिया है, एक समान अधिकार, राजा हो या रंक हो, सभी लोकतंत्र में एक समान वोट का अधिकार प्राप्त करते हैं और अपने इस वोट की ताकत का एहसास दुनिया को कराते हैं और भारत ने समय समय पर किया कराया है। और भाइयों बहनों, एक और वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की ताकत, भारत का सम्मान, भारत के बारे में दुनिया का नजरिया बदल चुका है और भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को आपने देखा है। आज कैसे भारत न केवल दुनिया के अंदर अपना सम्मान बनाया है बल्कि अपने नागरिकों के हितों का संरक्षण करने, अपनी स्वयं की सुरक्षा करने, कैसे एक एक करके प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य किया। मुझे आश्चर्य होता है जब भाजपा की बात होती है और भाजपा को जब लोग ये बोलते हैं कि पुरानी जाति का वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, संदेह की नजर से बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि इन्होंने भाजपा को सत्ता समझा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब सबका साथ और सबका विकास, और सबका साथ और सबका विकास है तो फिर सबका विश्वास भी है और परिणाम लाने के लिए सबका प्रयास भी है। ये सभी लोग मिलकर के जब कार्य कर रहे हैं, आप बताइए ना, 4 करोड़ गरीबों को देश के अंदर एक एक आवास मिल जाता है, 8 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिल जाता है, 12 करोड़ गरीबों को एक एक टॉयलेट मिल जाता है, 15 करोड़ गरीबों को स्किल इंडिया और स्टैंडअप और स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से जोड़ा जाता है, 35 करोड़ गरीबों के लिए जनधन अकाउंट खोले जाते हैं, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जाता है, 80 करोड़ लोगों को कोरोना कालखंड में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दिया जाता है और 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज भारत के नागरिकों को फ्री में देने का काम कोई करता है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। और भाइयों बहनों, यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, हमने तो सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ काम किया, हमने कब जाति के नाम पर किसी को, मत और मजहब के आधार पर किसी के साथ भेदभाव किया, लेकिन हमने तो तुष्टीकरण को कभी प्रोत्साहित नहीं किया। जो तुष्टीकरण को प्रोत्साहित करते थे वही भेदभाव भी करते थे, वही बंटवारा भी करते थे, वही विभाजन भी करते थे। हमने तुष्टीकरण नहीं, सशक्तिकरण पर ध्यान दिया है। सशक्तिकरण, हर व्यक्ति का सशक्तिकरण, हर नागरिक का सशक्तिकरण, सबका सम्मान और सबका साथ सबके विकास के भाव के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज उत्तर प्रदेश ये परिवारवादी और जातिवादी मानसिकता के दलों से उभर करके एक राष्ट्रवाद की सोच के साथ आगे बढ़ करके आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रयागराज कुंभ उसका एक उदाहरण था। और भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, आप सबसे ये अपील करने के लिए भी आया हूं, आपने 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को भी देखा है, ये वही उत्तर प्रदेश था जिस उत्तर प्रदेश में पर्व और त्योहार, भय और आतंक के साय में व्यक्ति कांपता था, पर्व और त्योहार आते थे लोगों को लगता था पता नहीं अब क्या हो जाएगा, लेकिन आज आप देख रहे होंगे पर्व और त्योहार आते हैं लोगों के घरों में खुशहाली आती है, पर्व और त्योहार के सही मायने आज पता लगते हैं। आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, दंगा नहीं, आप तो उत्तर प्रदेश में सबोर चंगा ही चंगा है। और भाइयों बहनों,
इसलिए है क्योंकि सरकार की कार्रवाई जीरो टॉलरेंस की है। जो लोग पहले आतंक के बल पर गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, व्यापारियों से रंगदारी वसूली करते थे, आज गले में तख्ती लटका करके जाने के लिए मजबूर हुए हैं। आज व्यापारी को कोई व्यापारी रंगदारी नहीं देता है। आज भाइयों बहनों रंगदारी नहीं, आज तो हम व्यापारी को राज्य सरकार की ओर से व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा दे रहे हैं। और भाइयों बहनों यही नहीं, पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर को भी आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर बढ़ाने का काम हो रहा है। एक समय था 17 के पहले जब व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी, आज रंगदारी नहीं, आज तो से स्वनिधि का लाभ, और आज उसे व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से 10 लाख का बीमा कवर देने का कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों 2017 के पहले हमारे शहर गंदगी के ढेर होते थे, आज तो प्रयागराज अविनाशा जी के नेतृत्व में इस बोर्ड ने प्रयागराज को स्मार्ट सिटी बना दिया, स्मार्ट सिटी। आज नगरों में किसी भी प्रकार का सौदों का आतंक नहीं, आज तो हमारे नगर सेफ सिटी हो रहे हैं। बेटियां स्कूल जा सकती हैं, व्यापारी व्यापार कर सकता है। आज युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं, क्योंकि सबको मालूम है कि तमंचे की कीमत क्या होती है और तमंचे की दुष्परिणाम भी क्या होते हैं। आज भाइयों बहनों उत्तर प्रदेश के युवाओं के हाथों में टैबलेट है, टैबलेट 2 करोड़ युवाओं को हम लोग उत्तर प्रदेश में टैबलेट दे रहे हैं। ये टैबलेट उसके टैलेंट को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके उसकी प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश के लिए लेने की पूरी व्यवस्था की गई है। देश उसका लाभ ले ले। अभी हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था, हमारे उप मुख्यमंत्री और मंत्रीगण अलग अलग देशों की यात्रा में गए थे, और दुनिया से भी और देश से भी भारी पैमाने पे निवेश लेके आए। 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव हुआ है भाइयों, 35 लाख। और ये 35 लाख करोड़ रुपए का मतलब 1 करोड़ युवाओं को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी, 1 करोड़ युवाओं को। ये प्रयागराज में तो लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, इन युवाओं के लिए रोजगार भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए। और 1 करोड़ युवाओं को ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट नौकरी की गारंटी भी देता है। लेकिन उसके लिए हमें उसकी स्किल डेवलपमेंट पर, उसके टैलेंट को ट्रेनिंग के साथ जोड़ने की कार्रवाई किस पर ध्यान देना होगा। और इसीलिए हम टैबलेट दे रहे हैं। जो तमंचा पकड़वाते थे उनकी दुर्गति हर व्यक्ति देख रहा है, और इसीलिए अब तमंचा नहीं, उत्तर प्रदेश की पहचान आईटी स्किल के लिए जानी जाएगी। और इसलिए हमारे युवाओं के हाथों में टैबलेट रहेगा। और इसलिए भाइयों बहनों हमें प्रयागराज को अभी से सजाने संवारने की कार्रवाई के साथ जुड़ना होगा। 2025 का कुंभ ऐतिहासिक हो, दिव्य हो, भव्य हो, दुनिया की स्वच्छ सुंदरता सुरक्षित आयोजनों का एक मॉडल फिर से बने, इसके लिए अभी से लगना होगा। और इसके लिए अच्छा बोर्ड भी चाहिए। आप गणेश जी को जिताएंगे कोई समस्या नहीं, हर ओर से आवाज आ रही है, जनता जनार्दन आशीर्वाद दे रही है, लेकिन इनके हाथ पैर तो नगर निगम बोर्ड में पार्षद होंगे, पार्षद। इसलिए 100 पार्षदों में से भी इनका मेजोरिटी का बोर्ड बने, इसके लिए भी कमल का फूल हर वार्ड में खलता हुआ दिखाई देना चाहिए। आप तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? यहां पर केशव जी कैंप कर रहे हैं,
यहां पर नंदी जी कैंप कर रहे हैं, यहां पर स्वतंत्र देव सिंह जी कैंप कर रहे हैं, यहां पे सिद्धार्थनाथ सिंह जी कैंप कर रहे हैं, हमारे तीन तीन सांसद आपने यहां से दिए हैं, हमारे सभी विधायक गण और एनएलसी गण यहां पर कैंप कर रहे हैं, वरिष्ठ जन है, संगठन के पदाधिकारी हैं, इन सब का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो जाएगा। इस दृष्टि से आप सबका आशीर्वाद भी चाहिए। सहमत हैं सभी लोग? गणेश केसरवानी जी के नेतृत्व में फुल मेजोरिटी का बोर्ड बनाएंगे प्रयागराज में, और भाइयों बहनों प्रयागराज में आप बनाइए, और हम लोगों ने माफियाओं की जो अवैध संपत्ति थी उस पर तोड़ करके जो गरीबों का आवास बनाए बोर्ड बनाइए, अगले महीने उस संपत्ति पर गरीबों को आवास आवंटन करने के लिए भी आने जा रहे हैं। यहां पर जो भी माफिया गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करके ऐसे कब्जा करने का प्रयास करेगा, उसकी संपत्ति को ऐसे ही जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने का काम सरकार करेगी, डबल इंजन की सरकार करेगी। हर गरीब का संरक्षण देंगे, हर शरीफ को, हर व्यापारी को सुरक्षा देंगे, लेकिन राज्य सरकार भ्रष्टाचार और अपराध में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य अपना अनवरत जारी रखेगी। इस विश्वास के साथ श्री गणेश केसरवानी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के फुल मेजोरिटी के बोर्ड को बनाने की अपील प्रयागराज वासियों से करता हूं। और भाइयों बहनों ये तब संभव होगा जब परसों आप सभी लोग समय पे मतदान करने के लिए जाएंगे। पहले मतदान फिर जलपान। तैयार हैं? करेंगे भी और लोगों से करवाएंगे भी ना। मतदान करवाने के लिए तैयार रहने के लिए आपसे अपील करते हुए वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप सब एक बार गणेश जी के और पार्षदों के समर्थन में यहां पर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रयागराज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे, और निकाय चुनाव में भारतीय